जय श्री कृष्ण कोनिका बेन जी। जय श्री कृष्ण कोनिका बेन, आप कहाँ से हैं? मैं मुंद्रा से। मुंद्रा से हो कोनिका बेन। आपको जो है माइग्रेन का प्रॉब्लम था बहुत ही ज़्यादा, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा सिर में दर्द हो जाता था, उसके लिए टैबलेट्स भी लेना पड़ता था और डायग्नोसिस में माइग्रेन भी आया था और पेट में भी थोड़ा गैस वगैरह का, कब्ज वगैरह का प्रॉब्लम रहता था। तो ये सभी शिकायत आपको कितने समय से थी? एक साल हो गया है मुझे, और ये पाइल्स का प्रॉब्लम तो मुझे 5 साल से है। 5 साल से पाइल्स का प्रॉब्लम ही था और 1-8 साल से ये माइग्रेन का प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है? तो इसके लिए आपने अलग अलग कितने डॉक्टर्स से परामर्श लिया होगा कि क्या क्या दवाइयाँ की होगी? मैंने 2-3 डॉक्टर चेंज कर दिए और बहुत सारी दवाइयाँ थी मेरी सुबह शाम की, मैं खा के बहुत परेशान हो गई थी पर आराम कुछ भी नहीं था उनसे। कितने टाइम से कितनी गोलियाँ खाती थी माइग्रेन की? मुझे सुबह 4-5 टेबलेट लेनी पड़ती थी और 4-5 शाम को लेनी पड़ती थी, मैं परेशान हो जाती थी पर आराम कुछ भी नहीं मिलता था। મિત્રો, કોનિકા બેન જે છે એમને માઇગ્રેનની સમસ્યા હતી અને માથા દુખાવા માટે રોજની લગભગ 5-7 અલગ અલગ દવાઓ લેવી પડતી હતી એમને, છતાં પણ આરામ નહોતો થતો। તો એવા પેશન્ટનો આપણે પૂરેપૂરો રિવ્યૂ સાંભળશું। કોનિકા બેન, ફિર આપકો જો હૈ યહાં કા હમારા યહાં કા પતા કૈસે તજા સંજીવની કા? મેરે હસબન્ડ હૈ ઉનકે દોસ્ત હૈ, ઉનકી વાઇફ કો થાઇરોઇડ કા પ્રોબ્લમ થા तो उन्होंने यहाँ दिखाया, उनको काफ़ी आराम मिला तो उन्होंने फिर सजेस्ट किया मुझे यहाँ। उन्होंने आपको सजेस्ट किया कि आप यहाँ पे दिखाइए, तो फिर इसलिए हम यहाँ। फिर कोनिका बेन, मैंने मेरे पास पूरी आप हिस्ट्री सिस्टम में लिखी हुई है। जब आप मेरे पास आई थी तो आपको माइग्रेन का दर्द था, आपको डायबिटीज़ भी है, आपको बीपी भी है, पाइल्स भी है, साथ में नींद कम आती थी, नींद के लिए गोलियाँ भी लेनी पड़ती थी और बार बार सिर दर्द के लिए गोलियाँ खानी पड़ती थी, हॉर्मोन्स के भी डिस्टर्बेंस थे, वजन भी बढ़ता था। तो ये सभी शिकायतें आपकी थी। तो अब जब आप मेरे पास, तकरीबन मैंने देखा कि आपका ऑलमोस्ट 1 महीना रेगुलर मेडिसिन हुआ और हमारा पूरा पंचकर्मा ट्रीटमेंट हुआ, आपको कितना परसेंट आराम है? मुझे 70-80% आराम है। बहुत अच्छा आराम, बहुत आराम है, मतलब पूरा दिन मुझे दर्द नहीं होता, नॉर्मल थोड़ा बहुत, अब मौसम चेंज हो रहा है तो उस वजह से जो भी रीजन हो, पर अभी मुझे वो दर्द नहीं होता, ना ही मैंने कोई टेबलेट अलग से ली है, जो आपकी ही मेडिसिन है वही लेती हूँ अभी। 1 महीने में आपकी पूरी टेबलेट्स बंद हो गई? हाँ, मेरा वजन भी कम हुआ है अभी, वजन भी कम हुआ, टेबलेट्स भी बंद हो गई, टेबलेट्स बंद हो गई, मैंने डायबिटीज की टेबलेट भी एक टाइम कर दी है, अब जो पहले ज्यादा लेनी पड़ती थी वो भी कम हो गई, लेनी होती थी अभी शाम के शाम एक टाइम लेती हूँ। वजन पण ओछू थयुं, जे 4-5-7 अलग अलग माइग्रेन नी मेडिसिन लेवी पड़ती थी ए पण नथी लेवी पड़ती, अने अत्यारे जे छे शुगर पण कंट्रोल मां छे, एटले के ओवरऑल आखा शरीर मां जे छे ई फायदो छे। हां, बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। कोनिका बेन, आपने जो हमारा ट्रीटमेंट किया, पंचकर्मा ट्रीटमेंट किया, तो उससे कितने शरीर में स्फूर्ति कैसा लग रहा है पहले से? काफ़ी फ़र्क है। सुबह मुझे वॉशरूम में बड़ा प्रॉब्लम होता था पाइल्स की वजह से, अभी नॉर्मल मेरा पेट साफ हो जाता है अच्छे से, मुझे भूख भी लग रही है खुल के और शरीर भी मेरा बहुत हल्का लगता है। यानी ओवरऑल जैसे आपकी एज पहले से कम हो गई है? हाँ, मतलब अब थोड़ा लगता है कि हाँ चलो कुछ अच्छा लग रहा है। चलो, बहुत बढ़िया है। खास करीने लोगों ने समझावानू कि माइग्रेन माटे घना बधा लोको हजारों प्रकारनी मेडिसिन लेता होय छे अने छतां आराम नथी थतो, तो पेन किलर्स उपर डिपेन्ड रहेवू पड़तुं होय छे। પણ માત્ર આયુર્વેદ સારવારની એક જ મહિના ચિકિત્સા અને સાથે આપણું પંચકર્મા, એટલે બધી મેડિસિન બંધ। કોનિકાબેન, પહેલે આપને કભી સોચા હતા કે આપ ઇતને જલ્દી મેડિસિન સે બહાર નિકલ આ પાઓગે, ઇતના જલ્દી આયુર્વેદ કા? માલૂમ થા, મેં મતલબ મુજે ડિપ્રેશન મેં જાને લગી થી કે ઇતના મેડિસિન મેં ઇનકો બોલતી થી કે સબ છોડ કે, મતલબ મેં સબ ખાના પીના શરૂ કર દેતી, કહીં કુછ ભી નહીં હો રહા હૈ, ક્યોંકિ મુજે આરામ નહીં થા ઓર મેં ઇતના પરેશાન હો ગઈ થી વો મેડિસિન દેખ દેખ કે, કે મુજે ઉલટિયાં આતી થી ઉનકો દેખ કે। પહેલે ઇતના સારા મેડિસિન ખાના પડતા થા કે આપ બહોત જ્યાદા પરેશાન હો ગઈ થી, મેં રોને લગ જાતી થી, રાત રાત કો 2-2 બજ જાતે થે મુજે, અગર મેને ટેબલેટ નહીં ખાઈ તો મુજે નીંદ નહીં આતી થી ઓર टैबलेट खाने के बाद पूरा रात, अभी ये जो टैबलेट ले रही हूँ आपकी, इससे मुझे एक नॉर्मल नींद आती है, जैसे लोग सोते हैं कि फिर जग जाते हैं फिर सो जाते और हैं, और उसमें पूरा दिन पूरा रात, मैं रात भर मुझे कोई उठा के भी ले जाए तो पता नहीं चलेगा। अच्छा, काफी तो नींद की दवाई, आयुर्वेद ने मेडिसिन जे छे हमने जीवन ने पूरा नॉर्मल करी ना क्यों, आपका अभी पूरा जीवन सामान्य हो गया। हाँ, मेरा लाइफ स्टाइल भी चेंज हो गया, खाने पीने का टाइम टेबल बहुत हेल्दी हो गया, कभी 9-10 बज जाते थे, अभी मैं अपनी डाइट फॉलो करती हूँ, उस हिसाब से मुझे एक डाइट मिल गई, पहले सोच में समझ में नहीं आता क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। तो माइग्रेन का जो गोली जो है वो पूरा बंद हो गया? पहले आपको माइग्रेन कितने कितने टाइम में क्या क्या हो जाता था, कब कब हो जाता? माइग्रेन में मुझे पैनिक अटैक आते थे, मुझे यहाँ पीछे कभी भी इतना तेज दर्द होता था, ऐसा लगता था अब जान चली जाएगी रास्ते में चलते चलते का, लेकिन जब से ये मेडिसिन ली है एक ही बार हुआ, उसके बाद जब मैंने कंटिन्यू ली है तो मुझे वो दर्द नहीं हुआ है, उससे मुझे बहुत आराम है माइग्रेन। ओवरऑल जो हमारी आपकी जो सर्विस हुई, हमने आपको जो ट्रीटमेंट दिया आयुर्वेद की, उससे आपको कितना संतुष्ट है?
उससे मुझे, मैं 100% संतुष्ट हूँ क्योंकि मुझे दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि तू थोड़ा दूर था, मुझे वो चीज़ें घर पे ही अवेलेबल हो गई हैं, सारी चीज़ें मैं घर पे आ गई थी, और डॉक्टर ने मुझे पूरा 24 घंटे हमेशा उन्होंने बोला कभी भी ऑल टाइम आप मैसेज करो, तो हमेशा टाइम पर रिप्लाई दिया, हमेशा पूछा है कॉल करके, तो उन्होंने बहुत सपोर्टिव था। ठीक है कोनिका बेन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। अब है ना, मैं